Welcome to Dakshina E classroom. In this question, we have to find whether the given functions are even, odd, or none. Okay, so first I'm solving a part. Fx is given to be log of x plus under root 1 plus x square. So f of minus x, then we will evaluate. So minus x plus under root 1 plus x square aega. Then isko hum log rationalize karte hain. Andar hi andar log function ke andar hi. एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ठीक है, तो वी विल बी हैविंग माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर. ये इससे कैंसिल हो जाएगा, वन अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा. सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस वन, दैट इज माइनस वन टाइम्स log of x plus under root 1 plus x square to minus fx. So we say कि f of minus x minus fx के बराबर में है, इसका मतलब ये odd function है. ठीक है, then let's solve one more part, f part. fx is equal to 1 plus 2 की power x upon 2 की power x का square, numerator का square. ठीक है, और जैसे मैं f ऑफ माइनस एक्स निकालता हूँ तो वन प्लस टू की पावर माइनस एक्स आएगा और नीचे टू की पावर माइनस एक्स यहाँ पे भी आएगा. तो वन प्लस वन बाई टू की पावर एक्स का स्क्वायर अपॉन वन बाई टू की पावर एक्स. इसको अगर हम सॉल्व करें, सिंप्लीफाई करें, तो टू की पावर एक्स प्लस वन का स्क्वायर अपॉन टू की पावर टू एक्स हो जाएगा और डिवाइडेड बाई वन बाई टू की पावर एक्स. तो ये टू की पावर एक्स प्लस वन, तो तुम ये बोल सकते हो ये से एक पावर कैंसिल हो गई तो टू की पावर एक्स बच गया. तो ये क्या आ गया, एफ एक्स के इक्वल आ गया. तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका मतलब ये इवन फंक्शन है. ओके, देन वी विल सॉल्व वन मोर पार्ट, जी. एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाय टू प्लस वन. तो इसमें भी हम लोग एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, माइनस एक्स अपॉन ई की पावर माइनस एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाय टू माइनस एक्स बाय टू प्लस वन. सो यहाँ पे माइनस एक्स ठीक है, नीचे इसको वन बाई ई की पावर एक्स लिख लेते हैं. इसको हम लोग आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, वन माइनस ई की पावर एक्स और ये ऊपर जाके ई की पावर एक्स. माइनस है नीचे एडजस्ट कर देते हैं, ई की पावर एक्स माइनस वन बन जाएगा, ऊपर एक्स इंटू ई की पावर एक्स और माइनस का एक्स बाई टू प्लस वन. अब ये एफ एक्स या माइनस ऑफ माइनस एक्स बन रहा है कि नहीं, वो हम ऐसे करेंगे कि दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ. फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकेंड इक्वेशन, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स बाई टू प्लस वन. ये टर्म में से सब्ट्रैक्ट होगा दूसरा वाला टर्म, उसको यहाँ लिख देते हैं नीचे, एक्स ई की पावर एक्स बाय ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस एक्स बाई टू प्लस वन. ये सब्ट्रैक्ट होगा तो हम क्या बोल सकते हैं कि वन से वन कट गया, एक्स बाई टू और एक्स बाई टू यहाँ पे ऐड होगा तो वो एक्स बन जाएगा. और ये वाला टर्म हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन में से सब्ट्रैक्ट किया एक्स इंटू ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन प्लस दिस. तो अगर हम इसमें से x कॉमन ले लें तो ये क्या बन रहा है, वन माइनस ई की पावर x अपॉन ई की पावर x माइनस वन. सो वी कैन से दिस इज माइनस एक्स आफ्टर कैंसिलेशन एंड दिस बिकम जीरो. सो आई कैन से एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, और इन अदर वर्ड्स एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स. देयरफॉर आई कैन से एफ एक्स इज इवन फंक्शन.